लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। इधर सभी संत समाज परीक्षित की सभा में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति तो अब रहे नहीं, शक्ति के पुत्र पाराशर मुनि बैठे हैं। पाराशर मुनि के जो पुत्र हैं वेदव्यास जी महाराज भी वो भी बैठे हुए हैं। और एक बात और स्पष्ट करो कि वशिष्ठ मुनि सुखदेव जी के क्या हैं? पर बाबा हैं। पाराशर मुनि कौन है? सुखदेव जी के बाबा। और व्यास जी हैं सुखदेव जी के पिताजी। इस सभा में मारकंडेय ऋषि बैठे हुए हैं। ये मारकंडेय जो ऋषि हैं, इनके जीवन काल में क्या हो गया, हजारों इंद्र बदल चुके हैं। इतनी इनकी उम्र है मारकंडेय ऋषि की, हजारों इंद्र बदल चुके हैं। ऐसे ऐसे महान तपस्वी संत वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि परीक्षित को मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा। परीक्षित ने सबसे कहा हे सभी संतों, मैं व्यर्थ की बातों में आप लोगों का, आप संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे सिर्फ एक ही बात बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। कृष्ण के परम लाडले व्यास जी के परम वंदनीय पुत्र षोडश वर्षीय आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो कृष्ण की समाधि में बैठे हैं, व्यास जी से भागवत पढ़ने के बाद जो वन में चले गए थे, तुरंत उन श्री सुखदेव जी की समाधि टूटी और सुखदेव जी को प्रभु की प्रेरणा हुई, मन कहता है चलो परीक्षित के पास चले। तत्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयामानो अनपेक्षः। अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च वालेरवधूतवेश। सुखदेव जी महाराज चले, चार अंगुल की लंगोटी पहने हुए हैं, उसके अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, 16 वर्षीय परम सुंदर नीलमणि जैसा चमकता हुआ जिनका चेहरा है, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज पधारे, सभी संत समाज खड़े हो गए, बोले सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, यहाँ इतने बड़े बड़े उम्र के और इतने विद्वान संत समाज बैठा हुआ है, और ये 16 वर्ष का जब बालक आया तो सारे खड़े हो गए, क्या बात है, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, कोई दिव्य विभूति लगता है। परीक्षित ने तुरंत खड़े होकर सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया। समिष्णु रातो अतिथया आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहर ततो निवृता वृद्धा स्त्रियोर्भकः महासनेशोपविवेश पूजितः।
आसन दिया, 1600 पूजन किया और कहा, महाराज आज मैं धन्य हो गया, आप जैसे संतों का सहज ही दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। ये साम संस्मरणात् पुंसां सद्या शुद्धयन्ति वे गृह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासन दिविः। आप जैसे महापुरुषों का तो नाम स्मरण करने से ही क्या हो जाता है, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। संतों ने इशारा किया, परीक्षित ज्यादा बातें इनसे मत करो, ज्यादा प्रशंसा मत करो, ये चले जाएंगे, ये ज्यादा देर नहीं टिकते हैं और ना ही इन्हें ज्यादा बड़ाई पसंद है, इसलिए जो तुम्हारे काम की बात है वो करो। राजा ने कहा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषाहेयं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषेहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। देखो परीक्षित चाहते तो ये कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दो, और सुखदेव जी महाराज मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन परीक्षित ने क्या पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित की ऐसी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, जो प्रश्न तुमने किया है तुमने अपने लिए नहीं किया, पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने किया है। सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की जो उम्र थी वो क्या होती थी, 1,00,000 वर्ष की होती थी। त्रेता में कितनी रह गई, 10,000। द्वापर में 1,00 कम हो गया, 1,000 वर्ष रह गई। कलयुग आते आते 1,00 और हट गया, 100 साल रह गई। और आज तो कोई निश्चित नहीं है कलयुग में कि कब क्या हो जाए। क्योंकि आज तो 30 साल के बाद ही कई प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और अगर किसी का पूरा जीवन 100 साल का भी रहा तो क्या होता है, आधा जीवन 50 साल तो सोने में आधी होते हैं ना, दिन और रात, तो रात को तो व्यक्ति सोता ही है, आधा जीवन तो गुजर गया सोने में, बचे 50 साल। 50 साल में फिर क्या हुआ, 25 साल लग जाते हैं धन कमाने में, और उसके बाद 15 साल बच्चों की शादी करो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तब जो 8-10 साल बचे वो बीमारी में। इससे बढ़िया परीक्षित ने क्या किया, मुक्ति का साधन पूछा और क्या कहा कि जल्दी मरने वालों को मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनिको न जाने या श्वास के आवन हो न हो।
हर सांस में कृष्ण को भजो, हर पल हर सांस में, पता नहीं कौन सी सांस बाहर जाए और अंदर फिर आए ही ना, इसलिए श्वास श्वास में गोविंद का भजन करो। मानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी मंगे दो, तुलसी वहां पर बाहर है, परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज मानस में क्या कहते हैं, कर से करम करम विधि नाना, न मरती है न जन्म लेती है। बंधन का जो कारण है वो क्या है, वो मन है। बंधन का कारण है मन, इसलिए मन को कहां लगाओ, गोविंद के चरणों में। कर से कर्म करहूं भी दिनाना, कई प्रकार के कर्म करो, अपने नौकरी करो, खेती बाड़ी करो, लेकिन अपना जो मन है गोविंद के चरणों अब गोविंद के चरणों में मन कब लगेगा, जब हम क्या करेंगे, सत्संग करेंगे और चिंता नहीं चिंतन करेंगे। चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर मन गोविंद के श्री चरणों में लगेगा। जितासनो जिता श्वासो जिता संगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को जीतने के लिए सबसे पहले आसन को जीतो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास करें।
और उसके बाद अपनी श्वासों पर काबू रखो, श्वासों को जीतो। श्वासों को जीतना कैसे है? प्राणायाम करना, जिससे ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है। जब आप प्राणायाम करेंगे तो क्या होता है, ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। प्रातः उठकर अपने दोनों हाथों को कैसा करना, दर्पण की तरह अपना चेहरा उसमें देखो और कहो, क्या कहते हैं, क्राग्रीवसते लक्ष्मी कर्मधे च सरस्वती कर्मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। हाथों में लक्ष्मी का वास होता है, हाथों के मध्य में आगे हिस्से में लक्ष्मी का वास होता है, मध्य में जो है किसका होता है, माँ सरस्वती का, मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। इसलिए सुबह सुबह प्रभात में क्या करना है, दर्शन करें। तीसरा है संग जीतना, अच्छी संगति करो। चौथा है इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो और फिर एकांत में बैठकर भगवान का चिंतन करो। जब भगवान की का चिंतन करोगे तो इंद्रियां धीरे धीरे अपने आप वश में आएगी, क्योंकि चिंतन बढ़ाओगे तो चिंताएं कम हो जाएगी, क्योंकि चिंता संसार की होती है और चिंतन भगवान का। धीरे धीरे मन श्री गोविंद के चरणों में लग जाएगा। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। राजा ने कहा, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म जिसको कहा, इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने किसको सुनाया था, नारायण ने किसको सुनाया था, सुने थे जी कल कथा, किसको सुनाया था जी? हाँ जी, सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ये कथा सुन रहे हैं, इनके लिए थोड़ा सा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि देखो कथा में बैठने का फल तब ही है जब आपका मन कथा में लगा हुआ है, नहीं तो बुझी हुई अग्नि में हवन करने के समान है। अब समझ जाओ, ब्रह्मा जी को सबसे पहले भागवत का उपदेश दिए, आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। सृष्टि में क्या था, कुछ भी नहीं था, केवल एक परब्रह्म था। एक बार परब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो पहले परब्रह्म ने क्या किया, जल का निर्माण किया। अब भागवत शुरू हो रही है, ठीक है ना, सबसे पहले क्या हुआ, जल का निर्माण किया, जल बनाया। और संस्कृत में जल को क्या बोलते हैं,
संस्कृत में जल को बोलते हैं नार। जल का मतलब है नार। अब उस नार में भगवान ने क्या किया, अयन बनाया। अयन का मतलब होता है अपने रहने का ठिकाना, और उसका जब उसमें रहे तो भगवान का नाम क्या हुआ, नार में अयन, भगवान का नाम नारायण हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। इससे पहले क्या थे, परब्रह्म थे, और जब उस नार में भगवान ने अयन किया तो नारायण हो गए। अब नारायण ने सोचा मैं अकेला हूं, मैं एक से बहुत हो जाता हूं, तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला और कमल के फूल के ऊपर चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, इसलिए उन्हें मुंह घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, चारों तरफ देखते हैं, चारों दिशाओं को देख रहे हैं। परंतु ये नहीं दिखाई दिया कि मैं कहां से प्रकट हुआ, और ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए। शिव पुराण में है फिर पूरा कि ब्रह्मा जी नीचे गए हुआ, ठीक है ना, ये शिव पुराण में है वर्णन पूरा, जो भागवत में जितना जरूरी है उतना बता रहे हैं, क्यों कई फिर बाद में ना बोले नहीं और कथा नहीं सुनाई, वो मुझे पता है, लेकिन जितना भागवत में जरूरी है हमें वो लेके चलना। तो ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दी, एक ता और दूसरा पा, तब बा इतना सुनाई दिया, तपस्या करोगे तो पता चलेगा मैं कहां से आया। ब्रह्मा जी ने तप किया और उसके उपरांत उन्हें श्रीमन नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, आज से मैं तुम्हें क्या बनाता हूं, विधाता बनाता हूं, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। सृजन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु थोड़ा ऐश्वर्य पाने के बाद कहीं मुझे अभिमान न हो जाए, आपने मुझे देखो सृष्टि का रचयिता बना दिया। आज की तारीख में तो ग्राम प्रधान बन जाते हैं और मारुति गाड़ी के ऊपर भी लिखा होता है कि ग्राम प्रधान, कहीं ये ना हो कि मुझे जो है गर्व हो जाए, और गर्व हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, मुझे भी गिरना पड़ेगा। इसलिए प्रभु इतना बड़ा कार्य मुझे मत सौंपिए। हे प्रभु, इतनी बड़ी सत्ता मुझे जब मिल जाएगी तो कहीं ये ना हो कि मैं ईश्वरीय सत्ता को भूल जाऊं, आप मेरे ऊपर एक कृपा और करिए, आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। प्रभु ने चार मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश दे दिया। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा, सारी सृष्टि में केवल मैं हूं, सृष्टि से पहले भी मैं ही था, सृष्टि बनने के बाद मैं ही रहूंगा, और सृष्टि जब बिगड़ जाएगी, जब प्रलय हो जाएगा, उसके बाद भी मैं ही रहूंगा। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती है उसे मेरी माया समझो। यथा महांत भूतानि भूते चावचे स्वनुहो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि
तथा ते शुनति श्वः। सारी दुनिया में मैं ही हूं, हर चीज में मैं हूं, जो पांच तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है उन के कण कण में भी मैं ही हूं। कौन कौन है पांच तत्व? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन पांच तत्वों से शरीर बनता है। मानस में कह लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।